अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास सिक्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर ज्योमेट्री पोर्शन। तो यू हैव टू डू ऑल द ज्योमेट्री वर्क इन योर सेपरेट नोटबुक्स जो कि इंटरलीफ हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक का, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। पेज नंबर 146 पर यह चैप्टर मौजूद है आपकी बुक की। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसके अंदर मौजूद हैं उनकी डेफिनेशंस मैं यहाँ पे आपको देख रही होंगी लिखी हुई। You have to copy down all the definitions plus the exercise questions I will do, ठीक है। तो let's begin। सबसे पहले हमारे पास line segment, ये सब कुछ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक दफ़ा एक revision करते हुए आगे बढ़ते हैं। line segment क्या होता है? A line segment is a series of points that is bound at both ends। जैसा कि आप देख सकते हैं इस diagram के अंदर, इन points के ज़रिए जो A से लेके B तक की एक line है वो bound हुई हुई है। मतलब तो इसका क्या मतलब है, line segment कैसी होती है? सीरीज़ ऑफ पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स इसको मिलके बना रहे होते हैं, लेकिन इसके जो बोथ एंड्स होते हैं वो के बाउंड होते हैं, वो मज़ीद बढ़ नहीं सकते, वो इतने एक फिक्स्ड ही इसकी कैलकुलेशन और मेजरमेंट रहती है, जो कि वो क्योंकि वो लाइन सेगमेंट कहला रहा है। नेक्स्ट है आपके पास लाइन। अ लाइन इज़ अ सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इनफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन, ये एक सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स होती है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स जब जब मिल के एक लाइन को बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक इनफाइनेटली दोनों डायरेक्शंस के अंदर बढ़ रहे होते हैं। मतलब पहले ए से बी तक था, अब ये मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, और एरो का यही मतलब है कि यहाँ पे रुक नहीं रही है, ये एक्सटेंड होती जा रही है दोनों साइड से। तो ये क्या कहलाती है, लाइन। इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट में आपके पास दो एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं। पॉइंट, अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इंडिकेट्स ओनली अ पोजिशन, इट हैज़ नो डायमेंशंस। पॉइंट हमारे पास ना इसकी कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है। ये एक पॉइंट होता है जो कि एक पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होता है, और ये और इससे मिलके डिफरेंट पॉइंट्स हमें बस मिल रहे होते हैं तो वो एक लाइन बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। रे, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट विद द अदर पॉइंट एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली। रे हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है, एक पार्ट ऑफ लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा एंड पॉइंट इनफाइनाइट एक्सटेंड होता चला जा रहा होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के ऊपर दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के ऊपर एंड पॉइंट्स होते ही नहीं हैं, और रे के अंदर एक एंड पॉइंट होता है। अब इस टॉपिक से मौजूद, इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 10 के अंदर पेज नंबर 156 जो है, कुछ क्वेश्चंस मौजूद थे इस टॉपिक से रिलेटेड, पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, इससे रिलेटेड। तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें नेम देना है इन लाइन्स को कि किस तरह की हैं। इसके अंदर एंड पॉइंट्स मौजूद हैं लेकिन एंड पॉइंट तो नहीं है, एरोज़ लगे हुए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारे पास लाइन सिंपली। नेक्स्ट, इसके अंदर एक एंड पॉइंट है और एक तरफ एरो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रे। इसके पास भी एक एंड पॉइंट है, एक तरफ एरो है, ये भी है रे। लास्ट वन के पास दो एंड पॉइंट्स मौजूद है, ये हो गए हमारे पास लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेम द लाइन सेगमेंट्स रेज एंड लाइंस इन द फिगर। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं ए बी सी डी, ए और बी को देखें हम तो ए से लेके बी तक दोनों बाउंडेड हैं। ए बी क्या होगा हमारे पास, लाइन सेगमेंट। बी सी भी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। सी डी हमारे पास क्या है, अब आप देख सकते हैं डी से लेके सी तक, सी के ऊपर एंड पॉइंट नहीं है, डी पर है, तो ये हो जाएगा रे। और ए टू डी ये क्या है हमारे पास, लाइन, ठीक है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट है, बाउंडेड होगा, रे के ऊपर एरो लगाते हैं, लाइन को इस तरह से कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन इज़ कम्पोज ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारे पास, एक लाइन होती है जिसके अंदर जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके जो वह बन रही होती है। अब वो क्या मजीद क्या बता रहे हैं, थ्री और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास एक लाइन के ऊपर तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कोलिनियर पॉइंट्स। द पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वही पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते तो वो कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब जैसे ए बी सी डी जो है हमारे पास और ई,
एक सेम लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं पॉइंट्स तमाम, और ये पी क्यू आर एस सेम लाइन के ऊपर लाए नहीं कर रहे, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर, और ये कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स. वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास दो लाइन्स एक पॉइंट, जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो वो एक पॉइंट मीटिंग पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट को हम कह रहे होते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स. इफ़ टू और मोर लाइन्स पास थ्रू ए पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स. अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लाइन्स एक पॉइंट से पास करेंगी, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर पॉइंट पी से जो है वो ये तीनों लाइन्स पास कर रही हैं, पास हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइन्स. द लाइन्स विच डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कॉन्करेंट लाइन्स. अगर वो लाइन्स हमारे पास एक सेम पॉइंट के ऊपर से पास नहीं हो रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी? नॉन कॉन्करेंट लाइन्स. जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट पी से ये दोनों तो पास हो रही हैं लेकिन ये वाली लाइन नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? नॉन कॉन्करेंट लाइन्स. अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं, पेज नंबर 156 के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 10 था. व्हाट आर कॉन्करेंट लाइन्स इन द फिगर, नेम द लाइन्स विच आर कॉन्करेंट एट. हमें बताना है कि कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं. कॉन्करेंट लाइन्स वही होती हैं जो कि एक सेम पॉइंट से जो है वो पास हो रही होती हैं, तो हमें बताना है कि इन पॉइंट्स के ऊपर कौन कौन सी लाइन्स है वो कॉन्करेंट हैं. पॉइंट ओ के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी लाइन्स गुजर रही हैं? पॉइंट ओ से तो हमारे पास काफ़ी सारी लाइन्स गुजर रही हैं. ओ से हमारे पास 1, एक ये लाइन गुजर रही है, एक ये लाइन गुजर रही है, एक ये लाइन गुजर रही है, और एक ये लाइन गुजर रही है, तो हम देखेंगे, तो लिख देते हैं हम ओ के ऊपर से कौन कौन सी गुजर रही हैं. सबसे पहली ए सी, देन बी डी, देन ई एफ एंड जी एच. अब ए से हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तीन लाइन्स गुजर रही हैं. पहली है ए बी, दूसरी हो गई हमारे पास ए सी, लास्ट वन ए डी. क्वेश्चन नंबर 12 बी सी से रिलेटेड है, तो वो देखते हैं. ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ ए सी एंड बी सी ऑन वन साइड ऑफ द लाइन. नाउ टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी, ड्रॉ डी सी. इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, विच लाइन्स और रेज आर कॉन्करेंट. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए बी 3.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले ड्रॉ कर दिया हमने ए बी 3.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देन ड्रॉ ए सी एंड बी सी ऑन वन साइड ऑफ द लाइन. अब हम ए सी ड्रॉ करते हैं और एक बी सी ड्रॉ करते हैं. ऐसा करते हैं क्योंकि हमें इसको सेंटर में रखना है, तो हम थोड़ा इसको मिडिल में ले आते हैं पॉइंट सी को. ट्राइंगल की शेप दे लेते हैं, ठीक है. हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं अब लाइन. हमें बी सी ड्रॉ करना है. अब क्या है? नाउ टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी एंड ड्रॉ डी सी. ठीक है, अब बताना है इज एनी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, विच लाइंस और रेज आर कॉन्करेंट. पॉइंट सी पर जो है वो सी से जो है वो तीनों लाइंस पास हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा? यस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या है? सी. और जो लाइंस और रेज पास हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं?
AC, BC and DC. ओके अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. प्लेन. अ प्लेन इज़ अ टू डायमेंशनल सर्फेस दैट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ. हमारे पास प्लेन क्या होता है, एक टू डायमेंशनल सर्फेस होता है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ मौजूद होती है. लॉन्गर साइड यूजुअली क्या कहलाती है, लेंथ, और शॉर्टर साइड यूजुअली क्या कहलाती है, ब्रेथ. हमारे पास कुछ तरीके के प्लेन्स होते हैं. टिल्टेड प्लेन, डायमेंशन टू होती है लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड होता है. मतलब जैसे हम स्ट्रेट, एक सपोज हमारे पास स्ट्रेट का होता है ना, टिल्टेड मतलब थोड़ा सा तिरछा होगा. हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल होगा. पैरेलल प्लेन मतलब दो डायमेंशंस होंगी जो कि मीट नहीं करेंगे लेकिन पैरेलली चल रही होंगी. नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन हमारे पास यूजुअली पैरेलल प्लेन होता है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं हो रहे होते. फॉर एग्जांपल हम देख लें, दो साइड्स अगर हम एक रूम की देखेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी. फिर वो कह रहे हैं वर्टिकल प्लेन जो कि डाउनवर्ड आ रहे होते हैं, ठीक है, वर्टिकल इस तरह से पोजीशन होती है उनकी. इंटरसेक्टिंग प्लेन, इंटरसेक्टिंग प्लेन हमारे पास किस तरीके के होंगे, अगर हम एक वॉल को देखें, मतलब एक कॉर्नर को देखेंगे वॉल के, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक इस तरह से आ रहा होता है और एक इस तरह से आ रहा होता है और एक इस तरह से. तो एक कॉर्नर जो होता है वो क्या कहला रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं प्लेन्स आपके पास आपस में, ठीक है. वरना एक वॉल इस तरह से होती है और इसकी जो सामने वाली वॉल होगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग नहीं होगी. अब एक टॉपिक हम बुक से देख लेते हैं, पेज नंबर 154 के ऊपर आप एक टेबल बना हुआ है. पॉइंट और लाइन. पॉइंट जीरो डायमेंशनल होती है, लाइन वन डायमेंशनल होती है क्योंकि लाइन के अंदर एक लेंथ मौजूद होती है, पॉइंट के अंदर कोई पोजीशन या कुछ भी नहीं होता. प्लेन और सॉलिड के अंदर देख लेते हैं, प्लेन टू डायमेंशनल होती है, इसके ऊपर लेंथ और ब्रेथ हमारे पास मौजूद होती है, हमने जैसा ये पढ़ा. सॉलिड, सॉलिड हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल होता है, इसके पास क्या क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी मौजूद होती है. अब कुछ की पॉइंट्स, अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इट डिफाइंस ओनली अ डेफिनेट पोजिशन. A line is defined by two points, say A and B. It has one dimension length. Its length extends to infinity, in both directions. These two points A and B are collinear. A length line जो होती है उसके पास टू डायमेंशन, एक डायमेंशन लेंथ मौजूद होती है. फिर क्या, अ प्लेन हैज़ टू डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ. अ प्लेन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज. लेंथ जो एक हमारे पास प्लेन होता है उसके पास दो डायमेंशन होती हैं और वो भी इन्फाइनाइट जो है वो एक्सटेंड हो रही होती है. एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स और अ स्ट्रेट लाइन. हम नंबर ऑफ, मतलब नंबर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन्स के टू पॉइंट्स के जरिए, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन के जरिए. ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उसके से क्या होता है, सिर्फ एक जो है वो प्लेन ड्रॉ हो सकता है जब तीन हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. तो अ सॉलिड हैज थ्री डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. 3D भी कहते हैं सॉलिड को जिसके पास थ्री डायमेंशंस, हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, ठीक है. अब आ जाइए एक्सरसाइज 10 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर जो हमने नहीं किया. सबसे पहले है फिल इन दी ब्लैंक्स. थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन आर कोलिनियर. नेक्स्ट टू प्लेन्स इंटरसेक्ट एट मोस्ट इन वन लाइन. एक लाइन के ऊपर ही टू प्लेन्स जब इंटरसेक्ट हो सकते हैं. ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू. हमारे पास एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है दो पॉइंट से. नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. अ लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ, फॉल्स. टू कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू नेम अ लाइन, ट्रू. ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट, फॉल्स. अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, ट्रू. Two planes intersect in a line. True. अब multiple choice questions यानी कि MCQs and then हमारा chapter complete हो जाएगा. Many circles drawn around the same center are called concentric circles. True. Parallel lines meet at a point or perpendicular to each other, never meet, intersect each other, never meet. A solid cube has. एक क्यूब के पास हमारे पास कितनी डायमेंशन होती हैं, वन, टू, थ्री और फोर. थ्री डायमेंशंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ प्लेन. अ प्लेन हैज़ वन डायमेंशन, फॉल्स. अ प्लेन हैज़ थ्री डायमेंशंस, ट्रू. अ प्लेन हैज़ टू डायमेंशंस, ट्रू. थ्री डायमेंशन नहीं होती, अ प्लेन हैज़ लेंथ होनी. अ प्लेन हैज़ टू डायमेंशंस. लास्ट क्वेश्चन ए टू बी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट विच कैन बी काउंटेड. लाइन, हाँ, काउंट नहीं हो सकते क्योंकि इनफाइनाइट है. पॉइंट्स ऑन अ लाइन कैन नॉट बी काउंटेड, ट्रू.
इधर ट्रू है मैं पास, ये फॉल्स था. अलाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स ए बी, ट्रू. अलाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स, ट्रू. सिर्फ फर्स्ट वाला मैं पास फॉल्स है. तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. आपने तमाम क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको बताया है. एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, सब कुछ समझ लीजिएगा. डेफिनेशंस लाजमी लिखनी है और डायग्राम्स जो है वो आप अपने इंटरलीफ पेज पर, जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर बनाएंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.